नमस्कार, फिल्मी बीट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका। किस बात पर रोने लगेंगे बोनी कपूर? जानवी ने खुशी के बॉलीवुड डेब्यू पर दी सबसे बड़ी जानकारी। श्रीदेवी और फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर की बेटी जानवी कपूर ने साल 2018 में धड़क के जरिए अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। पहली ही फिल्म से जानवी दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रही। अब जानवी की छोटी बहन खुशी कपूर के भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने की चर्चाएं तेजी पर चल रही हैं। जानवी ने अपनी बहन के डेब्यू को लेकर बातचीत की और बड़ा खुलासा किया। एक चैट शो के दौरान जानवी ने एक सवाल पर इस बात का खुलासा किया कि खुशी कपूर न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी में जाकर एक्टिंग की ट्रेनिंग लेंगी, इसके बाद ही वो बॉलीवुड में डेब्यू के बारे में सोचेंगी। बता दें कि बोनी कपूर अपनी दोनों बेटियों से बेहद प्यार करते हैं। खुशी के बाहर जाने पर जानवी ने कहा कि खुशी के न्यूयॉर्क जाने की बात सुनकर ही मेरी धड़कनें तेज हो जा रही हैं। पापा सिर्फ खुशी के बारे में सोचेंगे और वो रोने लग जाएंगे। बता दें कि जानवी और खुशी दोनों बहनों की आपस में काफी अच्छी बॉन्डिंग है। दोनों एक दूसरे के साथ काफी इंजॉय करती हैं, मगर दोनों के बीच लड़ाई भी कम नहीं होती। इस बारे में जानवी कपूर ने बताया, हमारे बीच लड़ाई केवल तभी होती है जब खुशी मेरे कपड़े चुरा लेती है। हम लोग आपस में कपड़े शेयर करते हैं, अगर वो बता के ले तो अलग बात है, पर जब वो बिना बताए लेती है तो बात बिगड़ जाती है। जानवी के फिल्मी प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो वो जल्द ही कारगिल गर्ल फिल्म की शूटिंग कर रही हैं। इस फिल्म में वो गुंजन सक्सेना का रोल प्ले करती नजर आएंगी। फिल्म में अंगद बेदी गुंजन के भाई का रोल प्ले करते दिखाई देंगे। इसके अलावा पंकज त्रिपाठी गुंजन के पापा के रोल में होंगे। फिल्म का डायरेक्शन शरण शर्मा कर रहे हैं, जबकि इस फिल्म का निर्माण धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले हो रहा है। यानी कि ये तो तय है कि जानवी की तरह ही छोटी बहन खुशी भी बॉलीवुड में डेब्यू करेंगी। हालांकि पहले खुशी न्यूयॉर्क जाकर पढ़ाई करेंगी और उसके बाद उनका होगा बॉलीवुड में डेब्यू। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।